हाँ समस्या साहब, मैं 35 साल का हुआ भी तो मैं शुरू से समस्या देख तो आ रही हूँ। और ये इसी के पास में शमशान घाट है, अगर आज किसी की मृत्यु हो जाती है इसी पानी से होके गुजरना पड़ता सबको। ये पानी मेरे पड़े मारता टाबर छोटा टाबर मार दो मारने पानी जा रहे है। काला छोरा पड़ गया खा लिया पोता पोती नहीं संभाले मर्जी करा लिया। बताओ जो विधायक अपने कांग्रेस का भी रह चुका है बीजेपी का भी रह चुका है लेकिन अभी तक ये समस्या को कोई समाधान नहीं हो पाए हुए। यहाँ पे गड्ढा खोद के उसकी निकाय की व्यवस्था करनी लेकिन पंचायत ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये ट्रैक्टर लगा रहे तो इसने अपने खर्चे पे ट्रैक्टर लगा रखा है, इसको 3 दिन हो गए चलते हुए, ना ही कोई गाँव की सहायता है ना ही प्रशासन की कोई सहायता हो रही है। पता दुख पा रहे हैं हमारे छोटा छोटा बच्चा है स्कूल में गल पानी मांग रही गला किताब पानड़ा ने सर ने भी लिया है पर जिया है टाबर छोटा छोटा ने गला मार्ग तो बोट भी ले जाए सके ले जाए पर मार तो व्यवस्था करेंगे नहीं। उत्तरक्षा में चल रहा है शिक्षा महोत्सव जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखें ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल नाउ। नमस्कार, मैं अरुण और झलको सीकर पर धर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँ तो खुश होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खंडेला उपखंड के पुजारी का पास गांव का मैंने जी ग्राम पंचायत ही पुजारी के पास लगे और मेरे पीछे थे कुछ लोग खड़ा मौजूद देख रहा होगा और बाकी पीछे थे एक झील देख रहा होगा। मेन रोड है यहाँ जाजोत और इस तरफ पलसाना की तरफ यह रोड जुड़े और मेन रोड है और एक मायने ते देख रहे हो कि भाई झील जे की स्थिति में पहला शांति अवगति करा दूं। इस तरफ पूरी तरफ हो रही है बातचीत आप करांगा कि भैया समस्या कब से यह पनप रही है और अभी तक ही कोई इलाज क्यों को नहीं पाया क्योंकि यह मूलभूत आवश्यकता का मायने। तो वीडियो तो हम सब पहले शेयर करना है, लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। की नाम है साहब? सरदार बदला। सरदार जी, आज समस्या कताक दिनों है। हाँ समस्या साहब, मैं 35 साल को हुआ भी तो मैं शुरू से समस्या देख तो आ रही हूँ, जब तक मैं समझदार हुआ समस्या सामने है। तो रोड पक्की है कि नीचे सारी? हाँ रोड पक्की है, यह अठिन पलसाना से मेन रोड है जो सिंहबहादुरपुर जोड़े अठिन इस साइड में खंडेला जोड़े अठिन रिंग से NH52 ने जोड़े लेकिन बरसात के टाइम पर 10-15 दिन जो मानसून को मौसम रहा भी कमाना पूरी सड़क 4 से 5 फीट तक को पानी भर जाए कमाने लबालब बहुत सा साधनी के अंदर है जो अड़े खड़े हो जाए और पानी बढ़वा कारण सुबह खराब हो जाए। सुबह अड़े नौकरी पेशा लोग लगभग अड़े एक दूसरे अड़े सिंहबहादुर जबड़ा अठिन पलसाना जबड़ा गुजरे बहुत लोगों का काफी समस्या हो। साथ ही स्थानीय जो लोग हैं गांव का लोग हैं वे इस समस्या जुड़े अपनी जो काम धंधा के ऊपर भी गुंजस के वे लोग जीव जसो काफी समस्या वाले लोगों ने देखनी पड़े थे। अभी जी पानी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सूखेगा एक बाद में जो मौसमी बीमारियां हैं वहां को प्रकोप अड़े बढ़ जाएगा और लगभग थाने हर घर के मायने बीमार आदमी मिलोगे हर घर के मायने आज भी थे जाओगे तो हर घर में बीमार आदमी मिलोगे। प्रतिनिधि ने सरपंच ने कह चुके काफी बार अवगत करा चुका और जी कारण सु पिछली 15-20 साल का मान जो विधायक अपने कांग्रेस का भी रह चुका बीजेपी का भी रह चुका लेकिन बन भी अवगत करवाया। अब नया विधायक बने बीजेपी से बन भी मैं अवगत कराया लेकिन अभी तक इस समस्या को कोई समाधान नहीं हो पाए हुए। वजह की है को भाई समाधान क्यों को नहीं भरे क्योंकि आ तो एक बहुत खतरनाक चीज है। देखो गांव का के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है बाकी बाहर का लोग है ना वे भी टिकट निकलेंगे गाली गलोज कर निकलेंगे कि यार कौन सा गांव है यहाँ कुछ का मान लेते आज भी इतनी बड़ी समस्या है। वजह कुछ ही नहीं बस प्रतिनिधि है जो उदासीनता है बाकी और बाकी कोई वजह को नहीं। अगर वे चाहें तो समस्या को समाधान हो सके। वो जो पानी की जो निकासी है सड़क बन रही है सड़क बढ़िया है कोई दिक्कत को नहीं लेकिन पानी की जो निकासी को जो दिक्कत है बस सबसे बड़ी समस्या है निकासी को नहीं हो पा रही। क्यों कौन निकासी भाई? देखो पक्की रोड है फिर पानी को निकास तो होना ही चाहिए। इस तरफ मेरे ख्याल ड्रेनेज के लिए कुई वगैरह तो बना रखी बड़े कुई बना रखे लेकिन कुई सफिशियंट को नहीं कुए में पानी भर जाए फिर भी वो पानी मतलब पूरा जा कौन पाओ सामने देख रहे हो कि वो मशीन लगा रखी है वो कोई किसान लगा रखी है आपका खेत में पानी गिर रहे। अच्छा पानी खेच रहे हो? हाँ बस मशीन लगा रखी है खेत में गिर रहे 2 दिन हो गए मशीन लगे लेकिन अभी भी देख रहे हो पूरा पानी भरे पड़े अभी पानी पूरा पानी निकल कौन पाए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नजदीक जाके बता क्या बता रहे हो जी? ओ पानी या देख लियो अ लेवल देख लियो। अच्छा ओ लेवल? ओ लेवल यो घर का बराबर को पानी अंदर जाए। अच्छा तो ट्रैक्टर लग गया 3 दिन हो गया पानी हाल तक भी देख लियो तो पानी हाल अब 3 दिनों लगातार चल रहे हो पानी, पानी। तो बैठा हुआ देख लियो भी लेवल इतने आदमी को नहीं हुआ मोटरसाइकिल बैठा तक पानी भरा है। अच्छा वो लगभग मेरे ख्याल 300-400 मीटर ब्रेकर तक पानी जाए तो पानी है सारो बरसात को बरसात पूरा गांव को पानी आवे थे घर को तो बने नहीं घर को नहीं खाली बरसात को पानी है। और वे नजदीकी एक खड्डो है नरेगा से खोदेड़ो भी मैं कनेक्शन करवा दी जगह बहुत है लेकिन करवा चाहूंगी कहीं कहीं तो एक मायने के ऑप्शन समझ वहाँ भाई ये ऑप्शन हो जाए तो काम हो जाए कुआ खुदाए
यहाँ पे गड्ढा खोद के उसकी निकाई की व्यवस्था करनी, लेकिन पंचायत ने अभी तक कुछ नहीं किया। एक गड्ढा खोद रखा है यहाँ पे करीबन वो 20 फुट का है। बिल्कुल अपन नजदीक ही चलेंगे, जो देखेंगे बड़े। यहाँ पे एक कुई बना रखी है सरपंच ने। अच्छा, एक ही है क्या? एक ही कुई है, एक छोटी कुई पहले बना रखी थी। ये 10 साल के अंदर एक ही कुई बनी है यहाँ पे। ये 20 फुट गहरी है, ना ही तो इसकी सफाई होती है। पानी भर जाने के बाद ये बाकी का पानी यहाँ रहता है। और ये ट्रैक्टर लगा रहा है तो इसने अपने खर्चे पे ट्रैक्टर लगा रखा है। इसको 3 दिन हो गए चलते हुए, ना ही कोई गांव की सहायता है, ना ही प्रशासन की कोई सहायता हो रही है। हमने पंचायत को अवगत कराया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी ट्रैक्टर जेसीबी लगा के, उसके बाद में कोई ध्यान नहीं दिया उसका कि ग्राम पंचायत गुजारी के आवास के अंदर पानी भरता है। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक ना तो MLA साहब ने की, ना पंचायत ने की है। पंचायत ने इसलिए नहीं की है क्योंकि पंचायत के अंदर प्रत्येक पक्ष है, एक दूसरे का पक्ष ले लेते हैं कि चलो आपकी बार अपन सरपंच बनेंगे तो अपन करवाएंगे। लोगों को उसकी वहम में रख लेते हैं वो लोग, जनता छोटी मोटी बात कहने, अगली बार अगर मैं सरपंच हूँ आपका, मैं ये काम मैं करवाऊंगा, फिर वो उस काम से मुकर जाते हैं। बोला अभी टाइम है अपने पास, अपन करवाएंगे। ऐसे होता है इस गांव गुजारी के पास में। अगर कोई आगे काम करने के लिए खड़ा होता है तो उसको बोल देंगे तो सरपंच का चुनाव लड़ेगा कि बात, इसके कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। ये 5 लड़कों को इकट्ठा कर लिया और ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि 15 दिन से लगातार 20 दिन से बारिश हो रही है। सरपंच भी इधर से जाता है, ग्राम से भी निकलता है गांव का, और पंच सब सब हर आदमी इधर से निकलता है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। कहता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है गांव के लिए, सब यही बोलते हैं। बढ़िया हो रहे, बढ़िया हो रहा है। और ये इसी के पास में शमशान घाट है, अगर आज किसी की मृत्यु हो जाती है इसी पानी से होके गुजरना पड़ता है सबको। बिल्कुल भाई, देखो आ तो बड़ी गंभीर समस्या है कि परती नदी की उदासीनता खल रही है और लोग आपके घर का आगे से पानी खुद ट्रैक्टर निकाल के आगे निकाल रहे हैं, खुद के खर्चा के ऊपर। इसे बीमारी डेंगू, अब गर्मियों में घड़ी डेंगू बनेगी, मच्छर भेजा हो सी कमाए। बिल्कुल भाई देखो, क्योंकि मौसमी बीमारी फिर वो काफी डर ही टाइम रखो, क्योंकि डेंगू की बात कर लें, मलेरिया की बात कर लें, और साथ में ही कुछ और भी बीमारियां मच्छर के द्वारा फैलेंगी। साथ में ही मैं अड़े खड़े हूँ तो मैं इस चीज में फील कर सूंगी, ये टाइम अड़े कत्ती बदबू है। बरसात थोड़ा सा पानी खींच कम होगी, नहीं तो बहुत शीड अड़े तो यो परमानेंट ही भरे हो रहे के बारे में। तो बरसात ना भदोवा को भी आवा ठीक, जैसे बरसात होती है गांव को ना भदोवा को पानी भी ठीक आवा। थोड़ी बहुत बरसात होती है तो गांव का पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यानी इस रास्ते से पैदल आदमी और बाइक वाला तो निकल ही नहीं सकता है, और रास्ता तो गडिंजा ये रास्ता खंडेला जाता है। यू खंडेला निकले और इधर पलसाना जाता है, और पलसाना जा रहा है, और ये है कि यहाँ से रास्ता जाता है NH-52 के लिए, रिंगस के लिए, और यहाँ से एक रास्ता जाता है श्री माधोपुर के लिए। मेन चौराहा है ये, ये चौराहा एकदम बंद पड़ा है इस वक्त, हर तरफ जाने वाला इसी रास्ते से गुजरेगा आदमी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी अनाज मंडी है जो मूंगफली की भी सबसे ज्यादा मंडी है। साला सर सूरत तक की गाड़ियां अनाज बेचने के लिए यहाँ मंडी में आती हैं, वो गाड़ियां भी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं। ये एक ही रूट है श्रीमाधपुर मंडी में जाने का, यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है वो गाड़ियां, यहाँ से आगे वो गाड़ी नहीं जा पाती है, फिर यहाँ से लोकल ट्रैक्टर वगैरह कोई गाड़ी लगा के उसको निकालना पड़ता है। ये स्थिति है पिछले 15 दिन में, तो ये स्थिति चल रही है यहाँ पर। शासन प्रशासन की अपील करना चाहूंगा, शासन प्रशासन से अपील करना चाहूंगा। देखो अपील तो मैं काफी बार कर चुका, लेकिन झूठा थोड़ा खोखला वादा अभी तक साबित हो आए हैं। लेकिन अभी नए विधायक मसू मन काफी उम्मीद है, और जाकर भी आया आश्वासन भी दिया है कि जल्दी करवा देंगे, बस उम्मीद है। हालांकि मन काफी कम टाइम हुआ, अभी लगभग 6 महीने हुए हैं कि सरकार बनी है, काम काज कर रही है, बस उम्मीद है अगर करवा दें तो सबसे बेहतर काम होगा। बाकी सरपंच तो कोई उम्मीद बनिया, अभी तो नया सरपंच बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं। अभी वादा तो हर साल हुए, लेकिन पिछला अभी 35 साल तक तो अभी कोई वादा पूरा होगा नहीं। पिछला 5 साल में तो एक कांकरों भी पंचायत का मान घूर गए, कांकरों भी कहीं चीज़ हो जाए, पानी निकासी तो बहुत दूर की बात है। और अगर ये ड्रेनेज सिस्टम निकाल भी अगर व्यवस्था कही जाए तो पास में एक जोड़ो है बिग मान नरेगा के तहत, बहुत बड़ा खड्डो करवाइड है, बड़ा सीमेंट का पाइप है उसमें नीचे खुदाई करके मैंने डाल दी, तो आसानी से पानी निकल सके, ज़्यादा खर्चों को नहीं, ज़्यादा बड़ी इशू को नहीं हो। कितनी दूर है वो जोड़ो? 250 किलोमीटर है, लेकिन प्रशासन की और जो पंचायत की उदासीनता है एक कारण से सारो लोगों ने भुगतने पड़ रहे थे। घर कौन सा ही था पहले तो? घर तक यही ही मारा यही, अरे यो पानी भरो पड़े, यो पानी भरे पड़े, मारता टाबर छोटा टाबर मार दो, मायने पानी जा रहे है टाबर स्कूल में जाए तो मैं काला छोरा पड़ गया काली पोता पोती। अच्छा ये टाबर है की? हां ये टाबर है, स्कूल में जा रहे जड़ा पड़ गया है। अब देखो कोई नहीं संभाले जड़ा मर जाए जड़ा के करा लिया बताओ, ये पानी का माय है, ये पानी का माया पड़ पानी कतो का जैसे तो बरसात हो गई तक माया चल गया पानी खड़े तो जाता है। हाँ। तो 2.5 फुट पानी आ गया है। बिल्कुल भाई देखो 2.5 फुट पानी की मात्रा है, हाँ। बहुत ज्यादा हुआ है, और वो भी रेजिडेंस के मायने घर के सामने। थारा घर कौन सा यही है? अच्छा यही की थारा से भी घर मैं तो अड़ी कहीं से जाओ थे, कहीं से आओ तो काम हो जाना क्या कर रहा हूँ पानी मकरी जावा यहाँ पता दुख पा रहे हैं हमारे छोटा छोटा बच्चे है स्कूल में गल पानी मकरी गल नवा दुआर भेजा फिर कपड़ा का माटी लगा लिया हुआ पानी में रूथ रहा है
तो क्या मत बोलो फिर में बहुत ज्यादा दुख पा रहा हमारे टाबर बहुत दुख पा रहा है। मानसून हो लिया तो मेरे तो कपड़ा लता ऊंचा करके फिर जावा बहुत ज्यादा समस्या है हमारे किताब पानड़ा ने सन भी लिया है पर जिया है टाबर छोटा छोटा नगर ला दापाड़े मां ने फिर सुते मारता ना जो परेशानी आ रही है गाड़ी मां नहीं बढ़ रहा पानी मारता करो पानी की एक व्यवस्था कराओ कोई तो आप व्यवस्था हो क्यों कौन पारी भाई तारे के कारण है कुछ समझ में भी आ रही है अब तो के कारण है मार्के तो बोट भी ले जाए इसे क्यों ले जाए पर मार तो व्यवस्था करेंगे नहीं मैं तो जितनी बार में आवे जितनी बार मैं तो यही परेशान हूँ आठ मैं टाइम में ज्यादा हो जाए दिक्कत है हाँ मैं टाइम में ज्यादा दिक्कत हो मार तो अरे भैया भी चालू ही रहे पानी तो बड़े एक व्यवस्था हो नहीं रोड की मार तो कदे को नहीं बोट आवे हाँ व्यवस्था करा देंगे तारी करा देंगे मार तो कोई कौन करावे बस हटे बोट तो ले जाए मार्के से नहीं करवाऊंगा करवाऊंगा बिल्कुल भाई देखो परिस्थिति और स्थिति दोनों आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हो गए भी चीज को मायने करे कि भाई परेशानी तो दिखवा में ही बढ़े या चीज छोटा छोटा बच्चा ही भाई स्कूल कहीं सी जाए और जैसे भाई घर की जो सजावट मानना चाहे घर को काम मानना अपने घर की महिला ही पे करें तो के हिसाब से मैनेज करें तो ऐसी चीजें देख के साथ में ही मौसम ही टाइम को हो रहे हैं मौसमी बीमारियां फैल भाग उठ रहे हैं तो बिल्कुल मैं शासन प्रशासन से अपील है कराऊंगा जरूरी है शासन प्रशासन तक आवाज यहाँ की बिल्कुल पहुंचा दो शेयर करके वीडियो और आसपास की खबर अपडेट रहने के लिए जल्द को सीकर के साथ जुड़ा रहो बना रहो राम राम।